माना है कि ठहरा हुआ पानी और रुका हुआ इंसान दोनों सड़ जाते हैं। थैंक बोलता हूँ देव जी सर और शिव जी सर को, जिनकी वजह से मौका आया। और इत्तेफाक से जो ट्रेन मेरी 20 साल पहले छूटी थी उसी ट्रेन में मैं आ गया। जितने भी प्रोफाइल मैंने देखे हैं सब में सबसे बेस्ट है, थाने में ही है, डोंबिवली में मैं रहता हूँ, लेकिन हम लोग दूर दूर की कंपनी में बहुत दूर तक गए, कलकत्ता तक जाके आए, लेकिन वो चीज़ नहीं मिली जो अब यहाँ पे मिली। एक डिसीजन लिया मैंने, रेलवे की नौकरी मैंने क्विट किया। कितने लोग ऐसे हैं जिसकी सैलरी 1 लाख है आज की तारीख में, कोई है योजना मैडम? कितनी सैलरी मैडम? मेरी भी 1 लाख सैलरी थी, मैंने छोड़ दिया रेलवे के जॉब को छोड़ दिया, इसलिए कि वहाँ पे जॉब सिक्योरिटी था। आपके 5-6 साल के बाद में जब मैं रिटायर होऊंगा मेरी सैलरी 1.5 लाख के करीब जाएगी, मेरे खर्चे भी उतने जाएंगे, मेरा लाइफ स्टाइल भी उतना रहेगा, लेकिन जो मुझे पेंशन मिलेगा वो 35 से 40 हज़ार मिलेगा। इसका मतलब है मेरी बॉडी कमजोर हो जाएगी लेकिन जो खर्चे हैं वो तो रहेंगे ही, खर्चे तो रहेंगे ना, खर्चे तो कम नहीं होने वाले हैं। इसका मतलब ये कि मुझे प्राइमरी इनकम के साथ में सेकेंडरी इनकम की जरूरत थी, और सेकेंडरी इनकम के लिए मैं बहुत सारे मैंने प्लान किया जोगी सर के साथ में, शिवजी सर के साथ में प्लान करते करते। थैंक फिर से बोलना चाहूँगा कि मुझे इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म दिया, और अभी ये शुरुआत है, और मुझे यकीन है कि 2029 तक जो मैंने 29 करोड़ पर बोला था उससे ज़्यादा मैं अचीव करूँगा। मल्टीपल आईडी से मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया है। 93 में मैंने पासपोर्ट बनाया था ये सोच के कि सिंगापुर में मैं जॉब करूँगा, किसी कारण से वहाँ पर नहीं जा पाया, लेकिन पासपोर्ट एक्सपायर हो गया। नेटवर्किंग में आने के बाद में बहुत सारी कंपनियों ने बताया कि यहाँ से आप ये अचीव कर सकते हो। नेटवर्किंग में डायरेक्ट सेलिंग में मैंने 1,000 भी कमाया हफ्ते का, 10,000 भी कमाया, और टॉप का इनकम एक कंपनी में मैंने हफ्ते का 1,30,000 भी लिया था। किसी कारण से कंपनी बंद हो गई, जैसे मैंने बताया प्रोफाइल अच्छा होता है, पे आउट भी अच्छा होता है, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ होने की वजह से कंपनियाँ भाग जाती है। 10 सालों से ये कंपनी यहाँ पे है, और पिछले 10 सालों में हमने 20 कंपनियाँ बदल डाली अच्छे प्लेटफॉर्म की तलाश में। एक बार फिर से इन दोनों सर को थैंक बोलना चाहूंगा क्योंकि बहुत ही खूबसूरत प्लेटफॉर्म दिया।